जी एफ आर में खुश आमदीद। दोस्तों ये आप मुर्गी देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से हमने आज यहाँ पे इस जगह की सफाई की है, तो थोड़ी सी ठंडी हवाएं चली थी आज, तो इस एरिया को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। बाकी रात को तो हम अपनी मुर्गियों को डब्बों में केजेस में बंद करते हैं, गर्मियों में हम यहाँ पे खुला छोड़ देते हैं, इसके ऊपर वो यहाँ पे बैठी रहती हैं, लेकिन रात को हम सर्दियों में, खासकर सर्दियों, हमारे यहाँ पर सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन जो 2 माह जनवरी और फरवरी में हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत सर्दी पड़ती है, तो इस सीज़न में हम मुर्गियों को डब्बों में जो है ना केजेस में बंद कर देते हैं। तो आज इस जगह की थोड़ी सी सफाई हमने की है, हम बैठे थे, ये जो मुर्गी अभी गुजरी है इसके इंतज़ार में, इसने जाके यहाँ पे इसके अंदर अंडा देना था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि जो मुर्गी है वो अंडा दे। और ये आप देखें माशाल्लाह से, ये एक पट्टी है और ये एक पट्टा है, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब हम इसके इंतज़ार में थे कि ये जब अंडा दे तो हम अंडा यहाँ से उठाएँगे। इसकी एक बड़ी वजह है, एक तो ये है कि हमने यहाँ पर 1-2 बकरियाँ रखी हुई हैं, उनका भी ज़रा आपको शौक करा दें, ये देखें, तो ये जो है शरारती बकरियां हैं, इन्होंने इन जो ये हमने कुड्डे छोटे छोटे बनाए हुए अंडों के लिए, इनके ऊपर चढ़ के इनको बिल्कुल तोड़ फोड़ के ख़राब कर दिया है। वहाँ पे एक जगह हमने बनाई हुई है उस हिस्से में, जो ग्रीन सी आपको जो नेट नज़र आ रही है, जाल नज़र आ रही है, उसके साथ में, तो वहाँ पर भी उन्होंने शरारत की है। तो आज हमने थोड़ा सा इस जगह को कवर किया है, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि नीचे हमने जो खुर्री है उसके नीचे हमने काले प्लास्टिक रखे हुए हैं, जो क्रेट हैं काले जिनमें टमाटर वगैरह आता है, तो ये रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमने इनके नीचे जो है ना वो थोड़ा सा कचरा मचरा, खजूर के पत्ते मत्ते, उस तरह की चीज़ें डाल दी हैं ताकि कुछ मुर्गियाँ जाके इसके नीचे वहाँ पे भी अंडा दें, क्योंकि यहाँ पे अगर ओपन में वो मुर्गियाँ अंडा देंगी ऐसे घूम रही हैं, तो यहाँ पे अगर अंडा देगी तो कौवे जो उन अंडों को ज़ाया कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो आज इसकी सफाई हुई है, थोड़ी सी सफाई करने के बाद हमने कहा चलो फिर थोड़ा सा यहाँ पर बैठते हैं ताकि ये मुर्गी अंडा दे, इसका अंडा भी उठाएँगे और थोड़ा सा जो है ना टाइम भी पास करेंगे। तो मैंने कहा चलो आप दोस्तों के साथ भी आल अहवाल हो जाए, आपको भी ये दिखाया जाए, और हम हैं, मैं और मरियम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सफाई की है हमने, अब हमारी बहुत बुरी हालत है, हम थक चुके हैं, तो दो हमारे पास ये एक ये मुर्गा है, पट्टा है और ये पट्टी है, ये दोनों बहन भाई हैं, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये भी यहाँ हमारे साथ ही खड़े हैं। तो चलें आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अच्छे से वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल पे, आप आके हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको देख रहे हैं, हमारी हौसला अफज़ाई हो रही है, हमें सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, हमारा माशाल्लाह से वॉच टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं पसंद आ रही होंगी, और आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना था कि जो आप अपना कीमती वक्त दे के हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारे जानवरों को, मुर्गियों को पसंद करते हैं। तो चलें दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।